फतेहगढ़ गांव में पहली बार इसलिए दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर निकली। गांव के दबंगों के उत्पात मचाने की आशंका के चलते बारात में भारी पुलिस बल मौजूद था। फतेहगढ़ निवासी केसरलाल के बेटे रमेश और उसकी बेटी की शादी शुक्रवार को होनी थी। परिवार की इच्छा थी कि बेटा घोड़ी चढ़कर दुल्हन को लाने के लिए जाए। बारात उज्जैन जानी थी और बेटी की बारात आगर से आनी थी। केसरलाल अपने बेटे और दामाद की बारात को घोड़ी पर निकालना चाहते थे, लेकिन गाँव के कुछ दबंगों ने दलितों को कभी भी घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालने दी थी। गाँव के दबंग शादी में कोई बाधा नहीं खड़ी कर दें, इसलिए केसरलाल ने दो दिन पूर्व ही जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर अपने बेटे बेटी की शादी में बारात के समय सुरक्षा देने की मांग की थी। इसलिए फतेहगढ़ गांव में बारात निकालने के समय एसडीओ पीएसआर पाटीदार, कोतवाली थाना प्रभारी अजीत तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अमला गाँव में मौजूद रहा। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने भी बेफिक्र होकर गाँव में बारात को धूमधाम से बैंड बाजे के साथ निकाला।